लॉकडाउन में जहाँ सभी लोग घर में हैं, तो मीठा खाने का मन भी सभी का कर ही जाता है। अब हम सोचते हैं ऐसा कौन सी मिठाई बनाएं जो झटपट बन जाए, घर के कम सामान से बन जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही झटपट घर में रखे सामान से फटाफट वाले पेड़े मिठाई, इतने टेस्टी के सब खाते रह जाएं। बिना मावा, बिना चाशनी, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क और बिना घंटों चलाए आप फटाफट बेसन के पेड़े बनाएंगे बहुत ही कम सामान से, जिसको आप 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसन के ये सुपर टेस्टी मक्खन जैसे नरम पेड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप दूध और 1/2 कप नारियल, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा वाला नारियल होता है ना, अगर घर में हो तो बस आप उसे ग्रेट कर ले, कद्दूकस कर ले, तो आपको ऐसा फाइन नारियल मिल जाएगा। वैसे बाजार के पैकेट भी आते हैं। और मेजरमेंट के लिए आप 1 कप सेट कर लीजिए। तो जैसे उस कप से आपने 1 कप दूध लिया, 1/2 कप आप नारियल का बुरादा यानी खोपरे का बूरा आप ले लीजिए। अब आप लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में जो भी हमने दूध लिया ना 1 कप वो ले लें। 1 कप 250 ml के करीब है, और ये मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। इसमें दोनों चीज को बढ़िया से ब्लेंड कर लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट जैसा बना लेंगे। अच्छी तरीके से दूध और नारियल को पीस लिया, और ये देखिए एकदम गाढ़ा हमारा बढ़िया सा मिक्स तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है खुशबू से जैसे कि नारियल का दूध, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा पेड़े में। यहाँ में से मैंने 1/2 कप नारियल लिया है, आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं इससे पेड़े। तो चलिए इसको तो रख देते हैं अभी अलग। अब आप लीजिए 1 बोल, उस पर लगाइए 1 छलनी, और छलनी पर मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन, यानी जो कप आपने सेट किया ना मेजरमेंट के लिए उसी के अनुसार 1 कप वजन से ये लगभग 125 ग्राम है, यानी 115 ग्राम। बेसन को हम अच्छे से एक बार छान लेंगे। छानने से क्या होता है, एकदम फाइन बेसन हमें मिल जाएगा, फिर जब हम इससे मिठाई बनाएंगे तो लम्स नहीं पड़ेंगे, यानी गुठलियां नहीं पड़ेंगी, क्योंकि वो बनती हैं तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती है उन्हें ठीक करने में। तो इसे अच्छे से छान लें। आज इन पेड़ों को बिना डिफिकल्ट बनाए, कोई तार वार, कोई चाशनी, कुछ जरूरत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ कि कोई भी बना ले। और जैसे मैंने यहाँ पर नारियल लिया है, मान लीजिए आपके पास लॉकडाउन की वजह से नारियल घर में नहीं है, काजू और बादाम का पाउडर भी ले सकते हैं, काजू और बादाम को पीस लें और उसका पाउडर ले लें। लीजिए इसको मैंने छान लिया। अब आप गैस पर चढ़ाएं एक पैन या कढ़ाई, और फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल लो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच घी। मिठाई वगैरह, पेड़े वगैरह, ये सब घी में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं घी ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। और घी के मेल्ट होने के बाद इसमें हम डाल देंगे बेसन, जो भी हमने छाना था। लो फ्लेम पर बेसन को लगातार चलाते हुए हमें इतना भूनना है कि हल्का सा रंग में चेंज आ जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। इस पेड़े के लिए हमें बेसन को बहुत ज़्यादा डार्क कलर का बिल्कुल नहीं करना है, तो बस इस तरह लगातार चलाते हुए थोड़ा भूने जब तक कि इसमें से कच्चापन ना निकल जाए। लॉकडाउन है, रमजान भी चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मीठा तो चाहिए ही होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मिठाई है। बेसन को हाई फ्लेम पर आप बिल्कुल ना भूने, वरना बेसन जल जाएगा। इसी तरह लगातार चलाते हुए हमें इसको गोल्डन सा कर लेना है। भूनते वक्त आपको थोड़ा सा ड्राई फील होगा कि घी की मात्रा आपको लगेगा कम है, लेकिन थोड़ी देर जब आप भून लेंगे तो ये बेसन घी छोड़ने लगता है। अभी आप जैसे देख रहे हैं ना, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई, यानी कि अब ये भून रहा है। और ये देखिए बेसन में बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ गया है, इससे ज़्यादा डार्क हम इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी दे सकते हैं कि बेसन ने घी छोड़ दिया है, बिल्कुल इस तरह से। लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे इस कंसिस्टेंसी को आने में। फ्लेम अभी बिल्कुल लो है, तो इस स्टेज पर मैं अब इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी, जो कप लिया ना उसी से 1 कप से थोड़ा कम, 3/4 कप। और अच्छे से चीनी को भी कर देंगे मिक्स, और चीनी बहुत ही जल्दी घुल जाएगी। चीनी में आप 3/4 कप डाल रही हूँ, आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1/4 कप भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा जो भी हमने नारियल और मिल्क को मिक्स करके रखा ना, पूरा घोल हम इसमें डाल देंगे। और अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर सभी चीजों को करेंगे मिक्स। अगर आपके पास चीनी का पाउडर है तो यहाँ आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, और जल्दी आपकी मिठाई तैयार होगी। और ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये गाढ़ा होने लगा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस मिठाई के लिए ना कोई आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ना ही लंबे समय तक गैस पर खड़े होके
पकाना है। बहुत ही जल्दी दूध और नारियल का जो हमने मिक्स किया ना, उससे क्या हुआ कि उसका फ्लेवर एकदम मर्ज हो गया नारियल का दूध के साथ। ऐसे चाहें तो हम ऊपर से भी दूध डालते फिर नारियल का बुरादा डाल सकते थे, लेकिन इस तरह आप ट्राई करके देखिएगा, एक अलग ही फ्लेवर और एक अलग ही टेक्सचर आएगा मिठाई का। इसलिए मैंने दूध और नारियल को ब्लेंड किया। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये पेड़े के लिए मिक्स तैयार हो रहा है। जैसे ही ये पैन छोड़ने लगेगा वो इसका इंडिकेशन है कि अब पेड़े के लिए मिक्स तैयार है। अभी थोड़ा सा चिपक रहा है, थोड़ा और लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये 10 मिनट वाले बेसन के पेड़े हैं जो आप कभी भी तैयार कर सकते हैं घर में रखे सामान से। बहुत ही टेस्टी बनते हैं पेड़े, एकदम ऐसे के मुंह में घुल जाएं। अभी आप देख रहे हैं ना कैसे घूम रहा है, बस थोड़ा सा और कि हम इसके आसानी से पेड़े बना पाए। और ये देखिए हमारा पूरा पेड़े के लिए मिक्स हो गया है एकदम तैयार। और जैसे अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बढ़िया से पैन छोड़ रहा है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए हो रहा है ना एकदम लम्ब की तरह घट्टा, बिल्कुल चिपक नहीं रहा पैन से, एकदम इस तरह से बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का ये हो जाएगा। तो अब ये बिल्कुल हमारा मिक्स तैयार है पेड़े के लिए, बिल्कुल डिलीशियस। ना कोई कलर डालने की ज़रूरत, ना कोई केसर, कुछ भी आपको इसमें यूज़ नहीं करना है, आपकी चॉइस है। अगर आप यहाँ पर मिल्क पाउडर डालना चाहते हैं तो 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, वरना जो हमने नारियल और दूध डाला है वही अपने आप में बहुत है। इस स्टेज पर लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि सबके पास होता है, अगर आप चाहें तो यहाँ केसर डाल सकते हैं। थोड़ा सा केसर के स्टेंड्स को हल्के से गर्म दूध में भिगोइए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो दूध सहित केसर आप इसमें ऐड कर दें और थोड़ा सा चला लें तो वो केसर वाला बन जाएगा। केसर अभी लॉकडाउन में सबके पास नहीं होगी इसलिए मैं इलायची से ही बता रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इलायची से ही। आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं क्योंकि नारियल का फ्लेवर तो है ही। तो बस ये हो गया तैयार, अभी बिल्कुल बढ़िया पैन छोड़ रहा है। तो इस स्टेज पर आप कर दें गैस को बंद। अब आप इस तरह से थोड़ा सा मिक्स लें हाथ में और इस तरह उंगलियों के बीच में यूं बना के देखें, तो देखिए गोली बन रही है, चिपक नहीं रही है हाथ में, यानी कि अभी बिल्कुल परफेक्ट है पेड़े बनाने के लिए। तो अभी काफी गर्म है, इसे उतार लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, सिर्फ इतना कि हम इसे छू पाए। और ये लीजिए मिक्स हो गया है हमारा हल्का ठंडा छूने लाइक। तो बस अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही फास्ट आप लीजिए एक नींबू के साइज की इसमें से बॉल। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना इसका टेक्सचर बदलता जाएगा, बिल्कुल पेड़े जैसा हो जाएगा। अब एक बॉल लेके आप हाथ की हथेली के बीच में थोड़ा सा गोल कीजिए, चॉपिंग बोर्ड पर रखकर इस तरह से थोड़ा सा घुमाइए, बस इस तरह, या प्लेटफॉर्म पर, और इस तरह से थोड़ा सा नीचे को प्रेस कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार फिनिश लुक दीजिए और इस तरह प्रेस करते हुए ये लीजिए हमारा बेसन का झटपट बहुत ही टेस्टी पेड़ा है बिल्कुल तैयार। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, लग रहा है ना एकदम यमी। जैसे ही ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और भी अच्छे टेक्सचर का हो जाएगा। अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो प्लेन रखें इस पेड़े को, आप चाहें तो इसको नारियल से भी सजा सकते हैं, चाहे तो किसी भी मेवा लगा करके गार्निश किया जा सकता है। तो मैं इस पर लगा देती हूँ एक छोटा सा पिस्ता, ये लीजिए हमारा बहुत ही लाजवाब एकदम टेस्टी मुंह में घुल जाने जैसा बेसन का पेड़ा है झटपट तैयार। तो सभी पेड़े हम बिल्कुल इसी प्रकार तैयार कर लेंगे। एक नींबू के बराबर की बॉल तोड़ें, हथेली के बीच में रखकर गोल करें, चॉपिंग बोर्ड पर गोल करने के बाद हल्का सा घुमाएं और उसके बाद इसको ऊपर से कर दें हल्का सा प्रेस। तो लीजिए हमारा दूसरा पेड़ अभी हो गया तैयार, कितना सुंदर लग रहा है। और इसको भी सजा देते हैं पिस्ता से, ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम सुंदर, बहुत ही बढ़िया हलवाई स्टाइल। इस तरह सारे पेड़े बनाएंगे और इन पेड़ों को आप बना करके एक एयर टाइट बॉक्स में फ्रिज में रख दीजिए, पूरे 15 दिन भी ये खराब नहीं होंगे, निकालिए खाइए एंजॉय कीजिए। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है मात्र 10-12 मिनट में बनने वाले हमारे बहुत ही टेस्टी झटपट पेड़े, लग रहे हैं ना कितने टेम्प्टिंग। और आपने देखा बनाना कितना आसान है, जो भी लोगों से चाशनी नहीं बन पाती है या मावे का इंतजाम नहीं हो पाता है वो आसानी से ये बेसन नारियल पेड़ा इजीली झटपट बना सकते हैं, इतनी स्वादिष्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाए, नरम पेड़े कोई भी खा ले। सिंपल सी घर की कुछ 3-4 चीजों से आप इतना स्वादिष्ट मिठाई बना सकते हैं जिसको आप पूरे 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह जरूर बनाइए, घर में सबको खिलाइए और तारीफ पाइए। और इस बेसन नारियल पेड़े को बनाने के लिए जैसे आपने देखा ना तो हमने कोई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना ही कंडेंस मिल्क का, ना ही मावा, ना ही चाशनी।
तब भी जो आपके पेड़ हैं वो इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी हैं कि आप खाते रह जाएंगे। और इतने कम सामान से आप इतने सारे पेड़े बना सकते हैं और पूरे परिवार को खुश कर सकते हैं। तो आप जरूर बनाइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पेड़े कैसे बने। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 फ्रेंड्स ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।